बोरेवली में 16 मंजिल की बिल्डिंग से गिरने से हुई 3 मजदूरों की मौत, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। क्या आप मुंब्रा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बोरेवली पश्चिम में सोनी एकॉर्ड बिल्डिंग के 16वीं मंजिल पर काम चल रहा था, और ये निर्माणधीन बिल्डिंग का 16वीं मंजिल पर काम तो कर ही रहे थे 4 मजदूर, लेकिन ये प्लेटफॉर्म का काम होते समय बिना किसी सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल किए ये लेबर काम कर रहे थे। तभी बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के ये काम करते समय अचानक 16वीं मंजिल से नीचे गिर गए, और 16वीं मंजिल से ये गिरने के बाद इसमें से तुरंत जो है स्थानीय लोगों ने चारों मजदूरों को नज़दीकी अस्पताल में ले गए, और नज़दीकी अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने इस मामले में 3 मजदूरों की मौत की खबर बताई, और एक मजदूर अभी मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है। हम आपको पूरा घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं, और इसी के साथ बता दें कि ये जो चारों मजदूर जो 16वीं मंजिल से गिरे हैं, ये इनमें से जिनमें से तीनों की मौत हुई है, ये सभी जो चारों मजदूर है वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तीनों मजदूर जिनकी मौत हुई है उनकी पहचान मनोरंजन समदार उम्र 42 वर्ष, शंकर वैद्य उम्र 25 वर्ष, पीयूष हरदार उम्र 24 वर्ष है, और जो गंभीर रूप से घायल है उस मजदूर का नाम सुशील गुप्ता उम्र 35 है। इस पूरे मामलात को लेकर DCP जोन 11 के आनंद बोईटे ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। सोडून वरती शिफ्ट करत असताना ते प्लॅटफॉर्म जो होतं लाकडाचं ते पडलं, आणि त्याच्यामुळे ते चारही मजूर खाली 16 माळ्यावरून पडले डकमध्ये। त्याच्यामध्ये 3 जणांची डेथ झाली आहे आणि 1 जखमी आहे, त्याची प्रकृती स्थिर आहे। कॉल कधी? ते आज सकाळी घडलेले। हा, नंतर त्यांनी पडल्यानंतर तात्काळ त्यांचं असं म्हणणं की आम्ही तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय ट्रीटमेंटसाठी त्यांना घेऊन गेले, आणि नंतर त्यांनी पोलिसांना कळवलेले। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख, फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के साथ।